स्वागत है कॉग्निसेंट एकेडमी में आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन जो है ये हम लोग देखेंगे सरसरी निगाहों से। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो एक का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। कौन सा क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किससे होता है, तो यहाँ पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वह उसका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो यहाँ पे पूछा गया है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और वीरोइड्स, ये यहाँ पर ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वायरस, राइट। तो ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है ये वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट्स इज कॉल्ड। ये जो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है इन प्लांट्स उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोलिन। रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट्स जो है वो क्या कहलाता है, पोलिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये किसका है, एंजियोस्पर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा स्लाइडन एंड श्वान। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई स्लाइडन एंड श्वान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक एमिनो एसिड जो है इसका कौन एग्जाम्पल है, ग्लूटामिक एसिड है, लाइसिन है, वैलिन है या फिर सेरिन है। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज लाइसिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड, करेक्ट आंसर होगा लाइसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन C3 प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। RUBP, OAA, PGA या फिर PEP। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा RUBP। RUBP जो है ये करेक्ट आंसर है। तो इन C3 प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है C3 प्लांट्स में, RUBP। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसोसिएटेड विथ। ये जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये एसोसिएटेड होता है फ्रेंकिया के साथ, राइजोबियम के साथ, बोथ ANB या नोस्टोक के साथ। और क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इज एसोसिएशन विद राइजोबियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज 1। म्यूटिक प्रोफेज 1 का फाइनल जो स्टेज है उसके बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा है, डाइकाइनेसिस है, डिप्लोटीन है, पैकेटीन है या जाइगोटीन है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा डाइकाइनेसिस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज 1, दैट इज डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड और डिक्रीज्ड बाई हाफ फॉर एवरी फिल इन द ब्लैंक्स चेंज ऑफ। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ जो आपका रिएक्शन है गेट्स डबल्ड और डिक्रीज, जो रेट ऑफ रिएक्शन है या तो डबल या फिर घट जाता है बाई हाफ फॉर एवरी चेंज ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी
10 degree Celsius change of temperature. ठीक है, नेक्स्ट विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन, इसमें से कौन प्यूरिन का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देखिए थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन प्यूरिन का एग्जाम्पल है. इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज एडेनिन. नेक्स्ट वन है लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू एलोइंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड. क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोरोसिस. तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू एलोइंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोसिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स, पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द स्टेज एट विच सेल्स रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट इज कॉल्ड. G1 फेज, G2 फेज, G0 फेज या फिर S फेज. क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा G0 फेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी. द स्टेज एट विच सेल्स रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव, यानी कि कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय तो होती है पर विभाजित नहीं होती है. ये करेक्ट आंसर होगा G0 फेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ऑकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन, रेड एंड येलो रीजन, ब्लू एंड येलो रीजन, ग्रीन एंड येलो रीजन. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू एंड रेड रीजन. यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए ऑकर्स इन, जो क्लोरोफिल ए है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो ब्लू एंड रेड रीजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ वन एग सेल, टू सिनर्जिड्स एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, थ्री एंटीपोडल सेल्स ऑल. तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल. एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ वन एग सेल ये होता है, टू सिनर्जिड्स एंड टू पोलर न्यूक्लियाई भी होता है, थ्री एंटीपोडल सेल्स भी होता है. तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ऑल. आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में. 18 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टिड, इनमें से कौन सा कलरलेस प्लास्टिड होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट. और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह कलरलेस प्लास्टिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रोमोजोम बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर. तो अगर हम लोग टाइप ऑफ क्रोमोजोम की बात करते हैं, लेकिन वह बेस्ड होना चाहिए पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर के, सेंट्रोमियर के पोजिशंस पे बेस्ड अगर हम लोग टाइप ऑफ क्रोमोजोम की बात करते हैं, तो इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? नॉट ए टाइप ऑफ क्रोमोजोम, दैट्स द क्वेश्चन. और यहाँ पे देखिए मेटासेंट्रिक ये तो होता है, सब मेटासेंट्रिक भी होता है, एक्रोसेंट्रिक भी होता है. तो ऑप्शन नंबर डी में यू सेंट्रिक, तो यू सेंट्रिक नाम का कोई क्रोमोजोम जो है बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर में हम लोगों को नहीं मिलता है. तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यू सेंट्रिक. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय. ये जो सनलाइट है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था सबसे पहले, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दैट इज इंजन हाउस. इंजन हाउस ने सबसे पहले ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए सनलाइट जो है वो बेहद ज़रूरी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एच. तो इंटरफेज जो है उसको हम लोग ऑल्सो कह सकते हैं एक्टिव फेज, रेस्टिंग फेज, इनएक्टिव फेज या फिर पेसिव फेज. करेक्ट आंसर होगा 21 का बी, रेस्टिंग फेज. जो इंटरफेज है इज ऑल्सो कॉल्ड एच रेस्टिंग फेज, इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, इन ए प्रोटीन
एन टर्मिनल एमिनो एसिड ईच. जो एन टर्मिनल एमिनो एसिड है वह क्या होता है, फर्स्ट एमिनो एसिड, सेकेंड एमिनो एसिड, थर्ड एमिनो एसिड या फिर फोर्थ एमिनो एसिड. तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ एमिनो एसिड. इन ए प्रोटीन एन टर्मिनल एमिनो एसिड इज फोर्थ एमिनो एसिड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है कौन एसोसिएट नहीं होता है, एजोटोबैक्टर तो होता है, रोडोस्पिरुलम ये भी होता है, एनाबैक्ट्रिया जो है ये भी होता है, क्लेमाइडोमोनस जो है ये नहीं होता है. तो 23 का डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, करेक्ट आंसर होगा क्लेमाइडोमोनस. क्लेमाइडोमोनस ये हो गया ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डाटा. प्रेजेंस ऑफ नोटोकोट, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व, कोट, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डी ऑल. तो 24 का करेक्ट आंसर होगा डी, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कॉर्डाटा के. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड. जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में उसे क्या कहते हैं, माइक्रोराइजा, लाइकेंस, राइजोबियम या फिर विरोइड्स. करेक्ट आंसर होगा 26 का बी, दैट इज लाइकेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ऑन द बेसिस ऑफ सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया. तो सेप के बेसिस पे इसमें से कौन सा जो है आपका बैक्टीरिया का कैटेगरी जो है वह नहीं है, कोकस स्पाइरलम, कॉन्सेप्ट, बेसिलस. तो कोकस स्पाइरलम और बेसिलस तो होता है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया. तो कॉन्सेप्ट जो है ऐसा हम लोग सेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल, ये बी, नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड वीरोइड्स, माइक्रोबायोंट, प्लाज्मिड या कैप्सिड. तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्सिड. जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का उसको बोला जाता है कैप्सिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी, चैलाजोगैमी, पॉलीगैमी. तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कारियोगैमी. फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कारियोगैमी. पहले वाले स्टेट में भी हम लोग इसको देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बैंथम एंड हुकर, विटाकर, टैमिन एंड बाल्टीमो, टीएच मॉर्गन. क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बैंथम एंड हुकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम. जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर मोनेरा. तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर इन LHC. Which one of the following molecule forms the reaction center in LHC? 33 का ऑप्शंस में है, अगर आप देखो तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल्स है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोरोफिल ए. नेक्स्ट वन है 34, इन PS1 द रिएक्शन सेंटर हैज एन एब्जॉर्प्शन पिक एट. तो 34 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है आप देख रहे हैं ऑप्शंस में 680 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर. करेक्ट आंसर होगा बी, 700 नैनोमीटर. यहाँ पे
देखिए इन PH1 द रिएक्शन सेंटर हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 34 का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 700 नैनोमीटर 34 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इज कॉल्ड 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन. द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इज कॉल्ड रिडक्शन रीजनरेशन कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन. करेक्ट आंसर होगा कार्बोक्सिलेशन. क्वेश्चन नंबर 36 है द एंजाइम नाइट्रोजिनेज ईच MOFE प्रोटीन कॉपर फेरस प्रोटीन कार्बन फेरस प्रोटीन या MO मॉलिब्डेनम कॉपर प्रोटीन. तो 36 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा MOFE प्रोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर या मोलिकुलर ऑक्सीजन. 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलिकुलर ऑक्सीजन. द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मोलिकुलर ऑक्सीजन. तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नो नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन अमोनिया. नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन अमोनिया. तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है वन अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग हीमोग्लोबिन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन शूट ऑफ प्लांट लीफ ऑफ प्लांट फ्रूट ऑफ प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स. लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट एसोसिएटेड विद नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में कौन एसोसिएट नहीं होता है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोकोकस या स्यूडोमोनास. तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्यूडोमोनास. तो इस तरह से हमने 18 मिनट में 40 क्वेश्चन देख लिए सेट 3 के. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.